अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज डॉक्टर साहर चावला, राइट एट योर सर्विस। और आज मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ कि आपके बच्चों के नाश्ते में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कौन सी है, जो अगर आप चाहते हैं कि उनको फ्यूचर में जाके बीमारियाँ भी ना हो, फैटी लिवर, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम, उनकी इम्यूनिटी भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हो, उनकी जो है आईसाइट भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो, हड्डी और दांत भी मजबूत हो, हार्ट की हेल्थ भी अच्छी हो, और इसके अलावा जो है उनकी हाफसा बहुत अच्छा हो, IQ मेमोरी बहुत ज़्यादा अच्छी हो, तो कौन सी चीज़ें जो स्टिपल होनी चाहिए उनके नाश्तों में, और वो है होल एग्स, अंडे समेत अंडों की जर्दी। हम लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं कि जब हम अंडे पकाते हैं जो उसका सोने वाला हिस्सा है, मैं तो कहती हूँ वो सोना है, आप जर्दी तो उठा के बाहर फेंक देते हैं और खाते आप खाली सफेदी हैं, उसका भी फ़ायदा है लेकिन जर्दी का फ़ायदा उससे कहीं ज़्यादा है। मैं आपको एक बात बता दूँ और मैं आप लोगों की एक मिथ ख़त्म कर दूँ कि आपके पास जो 100 ग्राम ऑफ एग योक समेत एग होते हैं उसमें आपके पास 17 ग्राम तकरीबन प्रोटीन होती है, और अगर आप खाली सफेदी लेते हैं तो उसमें आपके पास 10 ग्राम प्रोटीन होती है। तो 17 ग्राम ज्यादा हुआ या 10 ग्राम ज्यादा हुआ, और आप कहते हैं कि अंडे की जर्दी में प्रोटीन नहीं है, ठीक है। और इसके साथ साथ आपके बच्चे जो हैं उनका मूड, अटेंशन, फोकस उतना ही अच्छा होगा जितने अच्छे उनके ब्लड के ग्लूकोज लेवल होंगे। तो जब आप जर्दी उठा के बाहर फेंक देते हैं, आपको पता है अंडे को अगर जर्दी के साथ पकाओ तो वो ब्लड में शुगर रेज नहीं करती है, कंपैरेटिवली अगर आप उसको खाली सफेदी के साथ पकाएं वो रेज करती है। इसी वजह से जर्दी के साथ जब आप पकाते हैं तो ये ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल का भी बहुत ज़्यादा इलाज है। और अगर आप ये बात सोच रहे हैं कि आपके बच्चों का जो कोलेस्ट्रॉल है ये फ्यूचर में बढ़ जाएगा, तो मैं आपको बता दूं कि नेचर के दो बहुत स्ट्रॉन्ग लाइपोट्रॉपिक एजेंट्स होते हैं, यानी जो जिस्म में गैर जरूरी चर्बी मिटाते हैं, एक कोलीन, एक लेसिथिन, और तीसरा विटामिन B3 नायसिन, तीनों अंडे की जर्दी में कूट कूट के मौजूद हैं। बल्कि अंडे की जर्दी में बड़े गोश्त में भी कोलीन होता है, बड़े गोश्त से कोलीन है अंडे की जर्दी में आपके पास, तो ये कैसे आगे जाके आपके बच्चे का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा सकते हैं। अदर देन दैट, आपके पास जो कोलीन है वो आपके दिमाग का जो रिलैक्सेशन वाला सिस्टम है, रेस्ट और डाइजेस्ट, पैरासिम्पेथेटिक सिस्टम, उसका एक केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलीन बनाने के भी काम आता है, तो ये बच्चों में कामर इफेक्ट्स जो हैं उसको भी आपके पास प्रमोट करते हैं। और मीट आपके पास 95% प्रोटीन बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, अंडा जब आप खाते हैं वो 97% एब्जॉर्ब होता है, डेयरी जब आप लेते हैं 94%, और प्लांट बेस्ड जब आप लेते हैं 45%। तो सबसे बेहतरीन प्रोटीन कौन सा हुआ आपके पास? अंडा, अंडे की जर्दी जिसमें सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स मौजूद हैं। आप अगर चाहते हैं कि आपके बच्चों की इम्यूनिटी स्ट्रांग हो तो उनका गट स्ट्रांग होना चाहिए। अंडे में, अंडे की जर्दी में आपके पास एक फैटी एसिड मौजूद होता है स्फिंगोमाइलिन, जो कि गट माइक्रोबायोटा, जो आपका गट का बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया, उसकी डाइवर्सिटी बढ़ाता है, और इवन के आपकी जो आर्टरीज और वेसल्स हैं उसमें प्लाकिंग से रोकता है। इनफैक्ट बड़ों को भी ये लेनी चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास दो आई विटामिंस होते हैं, ल्यूटिन और जीजेंथीन, दोनों अंडे की जर्दी में कूट कूट के भरे हुए हैं। अदर देन दैट, विटामिन ए इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के लिए, स्किन की हेल्थ अच्छी करने के लिए, आईसाइट अच्छी करने के लिए, वो अंडे की जर्दी में बहुत ज़्यादा है। हड्डियों के लिए, आपके इम्यून सिस्टम के लिए, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, आपके बिहेवियर के लिए विटामिन डी इसमें बहुत ज़्यादा है। आपकी सर्कुलेटरी हेल्थ के लिए, आपकी इम्यूनिटी के लिए विटामिन ई इसमें बहुत ज़्यादा है। आपकी ब्लड हेल्थ के लिए इसमें विटामिन K2 बहुत ज़्यादा है। और बेस्ट बात यह है कि विटामिन K2 का काम ये होता है कि विटामिन डी आपके जिस्म में जो कैल्शियम जज़ब करता है वो उसको वेसल्स में, खून की शरियानों में डिपॉजिट ना होने दे, और वो मेक श्योर करे कि वो जाके हड्डियों में डिपॉजिट हो। कैरी डब्बा है जो कैल्शियम को ले जाके हड्डियों में डिपॉजिट करता है, विटामिन K2 अंडे की जर्दी में होता है। इसके साथ साथ वो फैटी एसिड्स DHA और EPA जो कि आपके बच्चे के दिमाग का 60% ग्रे मैटर बनाते हैं, जो कि एरिया उनका इंटेलेक्ट, फोकस, लर्निंग और मेमोरी को कंट्रोल करता है, वो omega-3 फैटी एसिड्स अंडे की जर्दी में कूट कूट के भरे हैं। उसके अलावा इसमें ऐसे एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड्स हैं जो इम्यूनिटी भी बूस्ट करते हैं, जो एंटी कैंसरस भी हैं, इन्फ्लेमेशन को भी नीचे लेके जाते हैं, पूरी बॉडी की सेल्स की झलियों को भी मजबूत करते हैं। तो अंडे बच्चों को खिलाने की आदत डालें और खुद भी खाएं। इसके अलावा मैं आपको बताती चलूँ, मेरी ब्रांड होलिस्टिक विजडम बाय साहर चावला ने बच्चों की भरपूर न्यूट्रिशन के लिए बी विटामिन, जिंक, कॉपर और आयरन से एनरिच्ड दो फूड बेस्ड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, ब्रेन टाइट और प्रोगेन, जो पाकिस्तान की सारी रेगुलेटरी अथॉरिटी से अप्रूव्ड है, पूरे मुल्क में शिपमेंट हो रही है। ऑर्गेनिक फूड बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं ये, इसमें कोई सिंथेटिक प्रोडक्ट या केमिकल नहीं है। आप www.holisticwisdombysaharchawla.com पे जाके ऑर्डर कर सकते हैं। जो यूट्यूब वाली ऑडियंस है, येलो पट्टी में लिंक आ रहा है, वहां से ऑर्डर कर सकती है। जो फेसबुक वाली ऑडियंस है, अपॉइंटमेंट्स वाले फोन नंबर के नीचे लिंक आ रहा है, वहां से ऑर्डर कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।